ନକଲ କରିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ବିବେକର କଥା ଆତ୍ମଚେତନାର ଆୱାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ହୁଏତ ଆମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା ତେଣୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ଥରେ परमा भगवान् शिको मा पर्वती कहिले प्रभुप भोलानाथ आप दा कृपाु अनेक कल्याण कल्याणकारी गरिब म थोर आपणको सह ए प्रकार कल्याण र सेवार पृथ्वी पृष्ठको जुवा को बेले शिव एवं पार्वती उभय गोटे मन्दिर पाखरे जाउ छंती देखिले जेने दम्पति स्वामी स्त्री उभाय से रास्ता दे जाउ छंती मार हृदय तो बड नरम तेनो मां पार्वती खही उठिले स्वामी शिवंकु कि प्रभु ए दुई दंपति बड दरिद्र देखा जाउ छंती अंकर धनर अस्तित्व बध्यै भल नै अंक ऊपर टिके दया करले नहीं शिव कहले एमिति खाली दया कले कोन हबो दया त करा जाय छे से दया को कृपा को स्वीकार करबा पई कर्म दरकार ए व्यक्तिर कर्म आधार ही ये दरीद्र हे जाय छे किंतु मांग कर ओळी रहला की प्रभु ए थरक टिके मोर इच्छा होची जी। एमानक जीवन धन आसु ए समर्थ है जानतो

जति बेला मो स्वामी एतिकि धन रकिदेछ सुनार मोहर रिका दारिद्र आज चली चाहिँ उभय प्रभु शिव ए मार्वती बसि देखुदै ए दम्पति जति बेला जाउँ अछा भजन र आवाज गला दुहे पछकु अनैक देखिले गोटे अन्ध से भजन गाइकि से पट दे कि अंध केवल नुहता स्त्री सी भी अंधुणी उभय भजन एत सुलित स्वर एत मधुर कंठ से गाँव तेणु ए दुहे भी सैठी अटकी गले केरी अटकी से अंध अंधुणी भजन को शुणिले सत्य भजन रो ताना जो स्वर जहाँ को से अंगीकार करने उभय आखिब चिकित्स से गीत गायब को लगीले ए तरे से अंधा अंधुणी भजन गाई गाई पढ़ाई लड़ी ए, ए दुहे से बाटते आगे बाकु लगीले से व्यक्ति जान से मध्य से अंधा भड़े आखिब बंद करी करी से भजन गायब को लगीला गाई गाई आगे चलता है से कहीं चलता है देखा से अंधा है किरी भी के सुंदर भजन गाला तेणु मु भजन को आखि बंद करी करी गाई गई चलुच्छी से स्त्री कहला जदि तमें आखि बंद करके भी अंध था अंधुणी आंधुणी भी गाला तेबे मु कहीं आखि खोल तेणु दुईजाक आखि बंद करी करी भजन को गाई गाई रास्तार आगे गले आस्तार कौन थी ला? शे फुट आगे सुनार मोहर ले तिथि दिशल ए मा पर्वती प्रभु कहिले प्रभु ठिक किर्म जु हिँसे दरिद्र हैक रुचि एक प्रभु के असल कथा भक्ति रे मन्दिर दर्शन को आसेन ता पड़ोसी मन्दिर दर्शन गरेको आउनु सिक्किम नकल गरिक देखेको आसि ହୃଦୟରେ ତା'ର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ହୃଦୟରେ ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ତା'ର ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ କାହାକୁ ନକଲ କଲେ ହୁଏନି ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତେବେ ସହଜରେ ଆମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି